और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हिंसा और अराजकता के बीच शेख हसीना ने इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ा तो वहां रह रहे करीब 1,35,00,000 हिंदुओं पर आफत टूट पड़ी। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। जिन उपद्रवियों ने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, प्रधानमंत्री आवास में लूटपाट की, अब वही हिंदू घरों और दुकानों को निशाना बना रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे चिंताजनक ये हमले हैं और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है। वहीं इस मुद्दे पर भी विपक्ष राजनीति करने से बास नहीं आ रहा। सड़कों पर आंदोलनकारियों ने हिंसा, आगजनी, लूटपाट, तोड़फोड़ के बाद शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने का जश्न मनाया। आंदोलनकारी छात्रों की मांग और सेना अध्यक्ष के वादे के मुताबिक 24 घंटे के अंदर जनवरी में चुनी गई सरकार और संसद भंग कर दी गई, लेकिन अंतरिम सरकार बनना बाकी है। आंदोलनकारी छात्रों की ओर से अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार बनने को तैयार हैं, लेकिन फ्रांस से उनकी बांग्लादेश वापसी अभी बाकी है। इस वक्त जिस तरह की डिस्टर्बेंसेस वहाँ पर हुई है पॉलिटिकल, उससे कई चीज़ों पे फर्क पड़ सकता है। सिक्योरिटी पे फर्क सकता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर हो सकता है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो सकता है, इंडियन सिटीजन्स वहाँ पर हैं, इंडियन बिजनेसेस वहाँ पर हैं, और हमारे ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि डिपेंडिंग किस तरह से, तो इसलिए वहाँ पर शांति स्थिरता आना बड़ा आवश्यक है। और यही मैं समझता हूँ कि आर्मी का सबसे बड़ा रोल रहेगा, जो भी वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट है। इस बीच बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बड़ी बैठक की और फिर सर्वदलीय बैठक में हालात की जानकारी सभी दलों को दी गई। संसद में विदेश मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश में जनवरी में हुए चुनाव के बाद से ही आक्रोश था, जो 2 महीने पहले आरक्षण के विरोध में जून से बढ़ना शुरू हुआ। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्ता पलट के एजेंडे पर प्रदर्शन हुए, जिसमें निशाने पर पुलिस और सत्ताधारी दल के अलावा अल्पसंख्यक प्रतिष्ठान और मंदिर थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को बताया कि सरकार बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों के संपर्क में है। There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. लेकिन बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता को लेकर भी देश में राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे हमारे देश के नेताओं को सबक लेना चाहिए। जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं, जो विरोधी होते हैं अपने, उनको जेल में डालते हैं या खत्म कर देते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है, तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है और मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्लियामेंट को भी आग लगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक लें। विपक्ष के सवाल बेमतलब बेनतीजा हैं। भारत की जो समृद्ध
लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान इनसे भिन्न है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हुआ आंदोलन सिर्फ कोटे को लेकर नहीं था, बल्कि ये लोकतंत्र की भी लड़ाई थी। ये सिर्फ कोटा आंदोलन की परिणति रही है, वहाँ पर बीते कई हफ्तों से डेमोक्रेसी को लेकर व्यापक भागीदारी वाले मामले में कमी आई थी। विपक्ष के बड़े नेता जेल में थे, चुनाव एक छद्म डेमोक्रेसी का स्वरूप लेकर के उभरा। आर्थिक प्रश्नों पर भी मैं फिर से कहूँ कि एक व्यापक समाज अछूता महसूस कर रहा था। ये इसलिए मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर था इस आंदोलन का, जिसकी परिणति हुई कि शेख हसीना को इस्तीफा करना पड़ा। उन सभी देश के लोगों को एक अलार्मिंग है, जो जन की बात नहीं सुनते हैं, मन की बात करते हैं। जिस देश में लोकतंत्र खत्म होता है और तानाशाही जब चरम सीमा पर आती है, तो उस देश में जनता कानून अपने हाथ में ले लेती है। ये चिंता का विषय है। देश में बांग्लादेश की हालात पर सियासत तो हो ही रही है, पर देश के नेताओं को ये भी याद रखना होगा कि बांग्लादेश में फिलहाल हालात ठीक नहीं है। वहाँ के अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, मंदिर चर्च तोड़े जा रहे हैं, संपत्ति लूटी जा रही है, घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। चितगांव में पुंडरीक इस्कॉन धाम के पुजारी की माने तो 45 जगहों पर हिंदू मंदिरों और हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया और कई हिंदू नेताओं की मौत हो चुकी है। जो बचे हैं वो डरे सहमे हैं। ऐसे वक्त में होना ये चाहिए कि सभी दल मिलकर बांग्लादेश की हालत पर मंथन करें, उस देश को इस अराजकता से उबारने में मदद करें। फिलहाल इंतजार अगली सरकार के गठन का है, शायद उसके बाद बांग्लादेश में विद्रोह के नाम पर हो रहे उत्पात पर लगाम लग सके।